देर शाम नौचंदी गांधी आश्रम का चौराहा फायरिंग की आवाज से दहल गया। मेरठ के कुख्यात बदमाश जग्गा ने सरेआम नशे की हालत में रंगदारी के लिए फायरिंग की। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर भी फायरिंग की गई। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने दो आरोपियों को दबोचा। पहले भी काफी मुकदमे चल रहे हैं जगविंदर सिंह उर्फ जग्गा पर। तेरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का भाई और फायरिंग करते हुए पकड़ा गया, क्या पूरा मामला है, कौन से थाने का? देखिए, संभवतः जिस घटना के बारे में आप बता रहे हैं वो थाना नौसंदी क्षेत्र की घटना है। इसमें किसी वेल नोन प्रतिष्ठित व्यक्ति का इसमें नाम लेने की या इंगित करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जो कि आदतन अपराधी है, हम लोगों ने क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी करी, 10-11 मुकदमे इसके ऊपर हैं और पूर्व में भी इस तरह की इसकी हिस्ट्री रही है लोगों के साथ मारपीट और झगड़ा करने की। आज देर शाम को इसके द्वारा नौचंदी क्षेत्र में गांधी आश्रम के पास में फायरिंग करी गई, लोगों को आतंकित किया गया। इसको उसी समय जो है हमारी ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा और स्थानीय पुलिस के द्वारा इसको पकड़ा गया है। इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है। जानकारी में आया कि ये लोग कुछ अपने साथियों के माध्यम से कुछ लोगों को आसपास में आतंकित करते थे। इन सभी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें विवेचना के क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग गिरफ्तार हुए? इसमें मेरी जानकारी के अनुसार अभी दो लोग संभवतः गिरफ्तार हैं और शेष लोगों की तलाश भी जारी है। सरकार ने ट्रैफिक पुलिस से भी हमला करा जैसा सुनने में आ रहा था? हाँ, ये जानकारी में आया है कि इन्होंने फायर किया है और उसके बाद में जब इनको रोका गया तो इन्होंने जो है पुलिस के साथ में जो है अभद्र आचरण किया है, पुलिस के ऊपर भी हमला किया है। इन सभी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी।